जिंदाबाद। वेलकम सर। सारे साथियों नूं चेयरमैन अगे पिछे ला दो बाहर लगे अपने कार्ड है कार्ड से सारे पहुंच चुके ने सम्मान करते हुए घर है जेड़ा वो गिरवी पे अज उस परिवार के साथी हो समझ नहीं आ रहा साबित कर लगे हुए ने जिवें चाणक्य ने कहा सीगा अज जदों पंजाब दा अपना सारे दा दिन भी जरूर चढ़ूगा इन्ना उम्मीद जरूर है एंड टाइट सिक्योरिटी दे अंदर है असि ओ जगह जगह अपने बिठाए हुए अफसर वो अज तक आर्म्स ते ड्रग्स दी स्मगलिंग तां तुहाडे तों रोकी नहीं गई आ पेट्रोल डीजल पानी है इहदी स्मगलिंग कित्थों तुसी रोक रहे हो वो भी विद इन इंडिया और मुक्कदी गल ए है ये कहने हैं अति किसान है इलेक्शन का टाइम है नुक एंड कॉर्नर तक ये मैसेज आएगा और इस इशू के लिए अगर थोड़ा सा भी हमें आम आदमी पार्टी सहयोग दे दे 10 के 10 डिपो सिर्फ दो दिन भी बंद करवा दें आप देख लीजिए कितना बड़ा हल है और डिपो जगह जगह नहीं है जी चार शहरों में है बठिंडा संगरूर और जलंधर और जो एक भारत पेट्रोलियम का डिपो है लालड़ू सिर्फ ये चार शहरों के डिपो दो दिन के लिए अगर धरना हम कोई हमने वायलेंस नहीं करनी जैसे आपने दिल्ली में शुरू किया था वैसे ही हम चाहते हैं कि वहां बैठ के डिपो बंद करा दें एक तो सरकार सोई पड़ी को अकल आ जाएगी और एक किसानों को पता चल जाएगा कि 10 साल से कैसे लूट मचाएंगे बहुत बड़ा ये इश्यू स्मगलिंग का पेट्रोल माफिया का लैंड माफिया सैंड माफिया तो चलो मेरा विषय ही नहीं है और एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर है जी आपके पास 117 कैंडिडेट है पेट्रोलियम वालों को 5 दे दो बस ताकि हम आगे भी आपके साथ 5 चाहिए 117 में ताकि हम जैसे में हम भी बोल सके कल को हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि बैठ पर आना हम खड़े हो जाएंगे नहीं जी नहीं बढ़ा देते आम आदमी पार्टी दिल्ली दे विच बड़ा सफल तजर्बा हो चुके है ते अज थोड़े नाल मुख्यमंत्री दिल्ली और साड़ी आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने और मैं ज्यादा समय लेना मैं जिस तरह के आप पता एक दूजे नाल किसी ना किसी मौके गल्ला करते रहने हैं भाषण देने का टाइम नहीं मेरी ड्यूटी लगी है मानसिक संचालन की मैं सब तो पहला तुहाडे क्योंकि असं ज्यादा तो ज्यादा समा थोनू देना चाहते हैं क्योंकि असं मोदी जी वांगू मन की बात करते नहीं असं मन की बात सुनते हैं एक बहुत वधिया सोशल मीडिया के उत्ते बड़ा वधिया एक प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है एक दो दिन च टॉक टॉक टू एके एके मीन्स एके 47 नहीं एके मीन्स एक अरविंद केजरीवाल है सो हाँ विरोधियों लिए एके 47 बोल सकती हो सो मैं तुहाडे सवाल लैण तो पहला मैं पता तुहाडे दिल बहुत बलबले होणगे बहुत सारिया गल्लां भी सरकारां नूं पुछणियां होणगियां ओह आपां बात करांगे पहला बहुत सारे तुहाडे सवालों के जिहड़े जवाब ने वह अरविंद केजरीवाल जी के भाषण चो ही शायद उन्होंने जवाब मिलते सो मैं बहुत ऑनर फील कर रहा कि मैं तुहाडे सामने अरविंद केजरीवाल जी बुला रहा कि वह आके अपने विचार रखन क्या क्या आना चाहिए जैसा कि पेट्रोल एसोसिएशन वालों ने जो बातें कही हम पूरी तरह से आपके साथ हैं जी और उसके बाद अभी इंडस्ट्री वाले आए थे मेरे पास उन्होंने कहा जी हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दो हम तो पंजाब को देने के लिए आए हैं जितना आप कहोगे हम पंजाब को देना चाहते हैं ये भावना की मैं बहुत कदर करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया लुधियाने पहुंच के जो उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस ने साढ़े हेड कॉन्स्टेबल भरा ने रोकिया
और जो उन्होंने दस गए अरविंद केजरीवाल जी के प्रोग्राम से जा रहे हैं नेशनल टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के मेंबर ने श्री अनुराग गुप्ता जी बहुत बहुत गुप्ता साहब चलो कोई नहीं कई बार चलती होंगी कि मेरी मेरी गल पहला सुन जाए क्योंकि दुख कई बार बड़ा हों कोई गल सुन लेने और जो प्रश्न आपने उठाए वो प्रश्न आज हर पंजाबी के हर पंजाब के व्यक्ति के मन के अंदर कौन रहे हैं। आज सारे पंजाब के लोग सबसे ज्यादा दुखी ब्यूरोक्रेसी से और क्यों क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पैसे इकट्ठे करके ऊपर पॉलिटिशियंस को पहुंचाती है। आपने बिल्कुल ठीक कही तीन बातें कही ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और इवैल्यूएशन तीनों हम करेंगे लेकिन ये बात केवल वचन देने की नहीं है ये बातें इसका एलैबोरेट अपने को सिस्टम बनाना पड़ेगा। अपने को ट्रांसपेरेंसी का भी कि अगर कोई व्यक्ति का कुछ पकड़ा जाता है तुरंत ऑनलाइन आ जाए अगर ऑनलाइन आएगा तो चाहे केजरीवाल के बेटे का ट्रक हो चाहे किसी आम आदमी के बेटे का ट्रक हो बस इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा कि आज किसका ट्रक पकड़ा गया फिर कोई उसको वो नहीं कर सकता। तो अपने को पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि सब कुछ ऑनलाइन कर दे ताकि उसके अंदर कोई डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसका काम कितने दिन के अंदर होगा इसका कानून लाया जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड है आपका कोई लाइसेंस है आपने अप्लाई करा इतने दिन के अंदर नहीं बनेगा तो उस अफसर की तनख्वाह कटेगी और वो तनख्वाह आपको मुआवजे के रूप में दी जाएगी। तीसरा आपने इवैल्यूएशन का कहा बिल्कुल होना चाहिए इवैल्यूएशन हर अफसर की होगी हर मंत्री की इवैल्यूएशन होगी दिल्ली के अंदर भी। इस बार हमने अपने सारे मंत्रियों को ले जाके कनॉट प्लेस में पार्क में बिठा दिया था और सारे दिल्ली वालों को कहा इनसे क्वेश्चन पूछो कि इन्होंने क्या किया एक साल के अंदर। तो मंत्रियों की भी इवैल्यूएशन होगी और अफसरों की भी लेकिन उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को। आपने बैरियर के बारे में बोला आपने एडवांस टैक्स के बारे में बोला मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आशीष और कमल संधु साहब ये हमारा पूरा मैनिफेस्टो ट्रेडर्स का बना रहे हैं एक बार आप इनके साथ बैठ जाइए और वो सारी डिटेल जितने आपके सुझाव हैं वो सारे सुझाव बिल्कुल बहुत अच्छे सुझाव हैं इनके साथ बैठिए उसको ट्रेडर मैनिफेस्टो में डलवा दीजिए। हर कई दिन तक सभी पिछड़े आवाज नहीं सुनी थी अभी सड़का में उतरे हुए पे थी ते कई तारीख नु जब अभी अमड़ रोड़ा दी कोठी गए करे गए काफना सुना ता उन्ना ने सानू उसे टाइम लिया के अगले दिन पाऊ को वंत मान जी नु मिलाया 24 तारीख नु 24 तारीख नु अभी भगवान मान जी नु मिले ता इन्ना ने खाली सारी गलबात सुनी सारा दुख सुनया ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੇਰ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਾਡੇ ਜਰੂਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ जैसा भी अमन अरोड़ा ने बताया 18,000 से 20,000 तक की रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स पंजाब छोड़ छोड़ के जा चुकी हैं पिछले कुछ सालों में। अपने को ऐसा करना है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है और ऐसा माहौल तैयार करना है पंजाब के अंदर कि ये 18,000 यूनिट्स तो वापस आए ही आए, हमें और 18,000 यूनिट्स भी पंजाब के अंदर लेके आनी है। हमें ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें सब लोग खुशहाल हों और कोई भी पंजाब छोड़ के जाने की ना सोचे, उल्टे सब लोग पंजाब में लौट के आने की और पंजाब में बसने की सोचे। आपसे 100% सहमत है जी? जी। तीन महीने हो गए उसकी एफआईआर हुई को और उसने पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। तीन महीने बाद जब दैनिक जागरण ने 4 दिन लगातार खबरें छापी, आपके पास मैंने कॉपियां भी भेजी खबरों की, उसके बाद जो सुखबीर बादल पंजाब के मुख्यमंत्री है जिनके कहने पर पुलिस यहाँ की नाचती है, उनके चुनिंदे जगवीर सिंह सोखी काउंसलर ने हमारे दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ के ऊपर उन आरोपियों से लैप्लिकेशन थाने में दरवाजे की जगह से 1.5 लाख रुपया मांगता है। सोचने की बात यह है कि 3 महीने जो आरोपी शरेआम सड़कों पर घूमते रहे, पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा, उनके खिलाफ क्योंकि वो सुखबीर बादल के करिंदे ने दी थी एप्लीकेशन, उसकी अपील लेके इंटरटेन करना शुरू कर दिया। आज 3 बजे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी प्रेस मीडिया इकट्ठा हो गए, डिप्टी कमिश्नर को भी मिल गए, कमिश्नर को आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पंजाब में पुलिस का गुंडा राज खत्म करने के लिए, राजनीतिक गुंडा राज खत्म करने के लिए, सुखबीर बादल का गुंडा राज खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? आपकी तरह हम भी उनकी गुंडागर्दी से पीड़ित हैं। अभी मजीठिया साहब ने एक केस मेरे ऊपर कर रखा है, एक केस संजय सिंह पे कर रखा है और अभी कुरान की बेअदबी के लिए उन्होंने एक फर्जी केस बना के हमारे एमएलए को भी, वो अभी जांच चल रही है, पूछताछ के लिए बुला रखा है, उनको भी गिरफ्तार करने वाले हैं उनको। तो पूरे पंजाब के अंदर इस टाइम पूरा गुंडागर्दी का माहौल है। अभी जब फ्लावर्स दे रहे थे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने बताया जी जो भी जरा सी भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ 4 फर्जी पर्चे डाल दिए जाते हैं। ये फर्जी पर्चे डालने का इनके पास सबसे बड़ा हथियार है, पुलिस का ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको सबसे पहले बंद किया जाएगा, पुलिस को डिसिप्लिन किया जाएगा और ये जो गुंडागर्दी का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है ये सबसे पहले बंद किया जाएगा ताकि लोग चैन की सांस ले सकें। अब सारे लोग डरे हुए हैं लेकिन मुझे बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे लोगों का डर खुल रहा है। लोगों को लग रहा है कि बस 6 महीने बचे, 6 महीने बाद तो ये जा ही रहे हैं। अब लोग इनके खिलाफ बोलने लगे हैं, खुल के सामने आने लगे हैं और मैं यहाँ सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अब डरने की जरूरत नहीं है। इनको बोलो कि जितने पर्चे बनाने हैं बना लो, 6 महीने बाद हमारी सरकार आ रही है, सारे पर्चे वापस ले लेंगे। दो किस्म की प्रॉब्लम होती है, एक लोकल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, एक स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम होती है। लोकल लेवल पे प्रॉब्लम इनका कहना है कि हर महीने 2 महीने में वहां के लोकल एमएलए के साथ, सारे अधिकारियों के साथ इंडस्ट्री और ट्रेड वालों की मीटिंग होनी चाहिए और वहीं की वहीं लोकल लेवल की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। और दूसरा, स्टेट लेवल की अगर कोई पॉलिसीज गड़बड़ है तो उसको सॉल्व करने के लिए हर 3-4 महीने के अंदर स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री के साथ सारे डिपार्टमेंट्स की और ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन की मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो स्टेट लेवल की पॉलिसी से दिक्कत आ रही है उनको सुझाव। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सुझाव है सर, इसको हम डालेंगे इसके लिए। मेरे नाम पंजाब के मिनी को सफर सुनते पड़ता है, प्रताप सिंह करेगा भी हाजिर नहीं।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ, ਇੱਕ ਏਬੀਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 50 ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡਨਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਸੀ। ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਡਾਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ VRTC ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੈ ਲਾਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਕ ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਕ ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। VRTC ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਚਾਰੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬਤਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਦੇ ਜਾਈਏਗਾ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਜਾਈਏਗਾ ਵੋ ਏਸੀ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਹਮ ਸਭ ਲੋਗ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲੋਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ। उनके कब्जे से अपने को ट्रांसपोर्ट निकालनी है, बसें निकालनी है और आम आदमी के हाथ में अपने को ये बस सिस्टम देना है और पंजाब ट्रांसपोर्ट को हमको अच्छा बनाना है। जो इन्होंने पंजाब ट्रांसपोर्ट जो सरकारी था उसको इन्होंने खत्म कर दिया ताकि इनकी अपनी बसें चले। तो ये जाने के पहले लेके जाइएगा, जितनी बातें आपने कही है सारी सही है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। जब से बैठ लगा है 8-10 साल से हम लोगों की 80% ਤਿੰਨ ਸੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਿਏ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਿਸਟਮ ਯੇ ਬਨਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਕਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਆਪਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਪ ਸਰ ਉਸਕੇ ਲਿਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ SSP ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਿਆ। SSP ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਮੈਂ ਹਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 300 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰੱਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਰੋਕਾ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ DG ਪੰਜਾਬ ਚੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।
लड़की ने एक चिट्ठी भेजी है, हालांकि नाम अभी डिस्कलोज नहीं कर सकते, पर लास्ट है जी, एक पुलिस वाली लड़की ने एक अपनी दुख भेजा है। वो कहती जी पंजाब पुलिस के उन्हें लिखे कि बहुत मजबूर है, असं कुछ बोल नहीं सकते। वो कहते जी साढ़े जोड़े अफसर ने वो सारा दिन एसी बह के सानू ऑर्डर देंगे ने, असं सड़क से सड़ते हैं, तो वो डी जी पी को मैड हाथ लै जाते हैं, तो जो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सजा जी मुलाजमान मिलती है। वो कहते जी पुलिस वाली लड़की ने एक लिखे भेजे कि साझा कृपा करके खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जाने से पहले जो जो आप लोगों के विचार हैं, जो जो आपके आइडियाज हैं, वो जरूर लिख के जरूर देके जाएगा। हेलो, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, और कई बार मिलेंगे अभी आने वाले दिन में। मान साहब, मान साहब एक मिनट जी, मान साहब, हेलो मान साहब, टोल टोल प्लाजा कुछ करेगी करा जी, करा टोल प्लाजा मान साहब टोल प्लाजा कुछ करेगा जी। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे को बेनती है कि सारे ने खाना खा के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा